आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में। महिलाओं को ये प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन बहुत सारी महिलाएं इसको इग्नोर कर देती हैं और आगे चल के ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि कैंसर जैसी प्रॉब्लम इसको आने से आ सकते हैं अगर आप इसको क्योर नहीं करेंगे, अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो आशा करूंगी कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो को मिलियंस में पहुंचाने में आप मेरी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को कारण बताऊंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या उसकी होम रेमेडी हो सकती है और क्या कुछ आपको करना चाहिए। तो वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है। आपके अंडर पार्ट में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से तरल पदार्थ निकलता है जिसको आप डिस्चार्ज बोलते हैं, जिससे आपको ड्राइनेस नहीं आती है, वहाँ पर गीलापन रहता है और गीलापन होना भी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस आएगी तो आपके लिए तब भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर किसी भी वजह से ये जो ग्लैंड्स जो तरल पदार्थ निकालते हैं बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाए तो आप उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बोल सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज तीन तरीके का होता है, एक तो सिंपल वाला वाइट डिस्चार्ज, एक थोड़ा सा येलोइस कलर का वाइट डिस्चार्ज जो चिंता का विषय है, और एक थोड़ा पिंकिस कलर का वाइट डिस्चार्ज जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि जब आपको पिंकिस कलर का वाइट डिस्चार्ज आता है ये आपके ब्लड के साथ मिक्स हो गया आता है और इससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम आने के भी चांसेस रहते हैं। तो वाइट जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, जब आप टीन एज में होते हैं, आपके पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, आप प्यूबर्टी की एज में आते हैं, तब आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब जो सिंपल वाला जो चिंता का विषय नहीं है उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। या फिर आपके पीरियड आने से तीन चार दिन पहले और तीन चार दिन बाद भी आपको वाइट डिस्चार्ज आता है जो नॉर्मल है, आप प्रेगनेंट होते हैं जब आपको वाइट डिस्चार्ज आता है तब भी ये नॉर्मल है। अब अगर आपको लगता है कि आपका जो डिस्चार्ज है, आपको हमेशा अपना जो वाइट डिस्चार्ज है उसको देखना चाहिए, बहुत सारी लड़कियाँ क्या उसको देखती नहीं है, हिचकिचाते हैं, उनको खुद से ही शर्म आना शुरू हो जाती है और किसी किसी को है ना गला नहीं आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपकी बॉडी का ही एक हिस्सा है और आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए। जब भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है तो ये किस कलर का है, कितना गाढ़ा है और किस तरीके की ऐसे लाइन बनती है, ओके। तो सेकेंड वाला जो वाइट डिस्चार्ज है जो येलोइश कलर का होता है, जब आपके अंडर पार्ट में हेल्दी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया जो आपके अंडर पार्ट को टाइम टाइम पे क्लीन करते हैं, अगर वो किल हो के मतलब वो ख़त्म हो के उनके जगह पे अनहेल्दी बैक्टीरिया आ जाएं किसी भी वजह से, तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड लेवल का वाइट डिस्चार्ज जिसमें आपको जलन, खुजली, फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, जब आपको आना शुरू होता है पिंकिश कलर का वाइट डिस्चार्ज जो आपकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक शाइन है। अगर आपको लगता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है या फिर सिंपल वाला वाइट डिस्चार्ज है, जब आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आएगी ना तो आप कमज़ोर फील करेंगे, आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, आपके सिर में दर्द होगा, आपका इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, ऐसे पूरा दिन आप थका थका महसूस करेंगे, क्योंकि जब वाइट डिस्चार्ज आता है तो ये सारे सिम्टम भी साथ में आते हैं। आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है और ये सारे साइन आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। और आपकी जो फेस है उसकी जो चमक है वो गायब हो जाती है, फेस डल दिखने लगता है, ओके। अब रीजन क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही है कि आप अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, आप टाइम टू टाइम अपने अंडर पार्ट को क्लीन नहीं करते हैं, जिससे आपके वहाँ अनहेल्दी बैक्टीरिया आ जाएंगे, खुजली मचेगी और कई बार तो इतनी खुजली मचती है कि हमारा दिल करता है कि हम खुजाए जाएं, जिससे क्या होगा रैचे जाएंगे और वहाँ पे घाव बन जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मन करता है कि खुजाए जाए, बहुत मज़ा आता है खुजाने में, लेकिन जब हम खुजाना बंद कर देते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे मतलब कि रैसे जा जाते हैं, बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल होता है यार ये। तो इस कदर आप मतलब कि स्वच्छता का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड जो चीज़ है कि हम बहुत आजकल बहुत तीखी चीज़ें खाते हैं, चिप्स भी बहुत ज़्यादा तीखे, हम क्या है मतलब कि किसी दूसरे के साथ क्या बोलते हैं वो चैलेंज लेते हैं कि कौन ज़्यादा मिर्चीदार चिप्स खाता है या फिर कौन मिर्चीदार गोलगप्पे खाता है, चैलेंज लेते हैं ना बहुत बार, खास करके टीनेजर लड़कियाँ जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इन सब को खाने से आपको वाइट डिस्चार्ज आ सकता है, क्योंकि आप देखिए जो लोग मिर्च नहीं खाते हैं, ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं, जो रेड मिर्च भी नहीं खाते, जैसे कि मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं ज़्यादा मिर्च नहीं खाती हूँ और रेड मिर्च तो मैं कभी खाती ही नहीं हूँ,
जब भी मैं खाती हूँ ना, जब भी और मैं फ्रेश होने जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है। बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे जो आखिर मिर्च नहीं खाते हैं। तो ये जो तीखा खाना है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आप तो बहुत दिनों से खा रहे हैं, आपको तो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं आई है, क्या पता आगे चल के आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ जाए। तो जितना उसके हाइजीन मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम हेयर रिमूव करने हैं, जब भी यूरिन पास करने जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ चुकी है तब भी यूरिन पास करने जाएं, तो आपको आपका जो पार्ट है बहुत सारे पानी के साथ वॉश करना है। नहाते हुए भी बहुत सारे, हम पूरा जो बॉडी है वो रगड़ लेते हैं लेकिन पार्ट को हम भूल जाते हैं, तो बहुत सारे पानी के साथ उसको अच्छे से क्लीन करना है। उसके तो गुनगुना पानी आपको लेना है और गुनगुने पानी के साथ आपको ऐसे छिपके मार देना है, ऐसे छिपके मारने हैं अपने पार्ट के अंदर, ताकि अंदर तक क्लीनिंग हो जाए। ओके, और आपके जो पैंटी हैं, कॉटन का पैंटी यूज करना है हमेशा ही। जो सिंथेटिक वाले होते हैं वो आप कभी कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको हमेशा कॉटन के पैंटी यूज करने हैं। पैंटी को धूप में सुखाना है, डिटोल के साथ वॉश करना है, गुनगुने पानी में वॉश करना है। ओके, मतलब एक प्रॉपर तरीके का जो हाइजीन होता है वो मेंटेन करके रखना है। ये सारी चीज़ें थी वाइट डिस्चार्ज को लेके, कैसा होता है, किस कलर का होता है, कौन सा चिंता का विषय है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी होम रेमेडीज की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है ना, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज आता है और कैल्शियम इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हम पूरा दिन थके थके महसूस करते हैं। क्या करना है, एक बनाना लेना है पका हुआ, उसको अच्छे से मैश कर लेना है और उसके अंदर आप डाल देंगे एक चम्मच गाय का घी। गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर बहुत ही अच्छे होते हैं घर के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी। इसीलिए आपको भैंस का घी नहीं लेना, गाय का घी लेना एक चम्मच और इस बनाना के अंदर उसको मिक्स कर देना है और आराम से बिल्कुल धीरे धीरे बैठ के आपको इसको चम्मच के साथ खाना है। आप कभी भी खा सकते हैं, आपको इसे हर रोज़ खाना है। अगर आप इसको हर रोज़ खाएंगे तो आपके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। सेकंड, जब आप बनाना खा लें तो आपको क्या करना है, आपको दूध लेना है एक गिलास। गाय का दूध है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक चम्मच उसके अंदर हनी डाल देंगे और बनाना खाने के बाद ये वाला दूध आपको गट गट करके पीना है। ओके, आप हर रोज़ अगर एक कटोरी दही खाते हैं ना, तो आपको अपने अंडर पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इससे आपके हेल्दी बैक्टीरिया मेंटेन रहेंगे, अनहेल्दी बैक्टीरिया नहीं आएंगे। अगर आ भी चुके हैं तो वो हेल्दी बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि बहुत जलन खुजली होती है आपको, आपको नीम की कुछ पत्तियाँ लेके आनी है, उनको पानी के अंदर उबाल देना है अच्छे से और दिन में कम से कम 3 बार इस पानी के साथ आप अपने अंडरपार्ट को वॉश कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं। इससे जो जम्स हैं, जो जलन खुजली वाले बैक्टीरिया हैं, गंदे वाले बैक्टीरिया हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और वापस फिर से हेल्दी बैक्टीरिया आने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन होम रेमेडीज को अपनाएंगे, तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो कुछ दिन आप होम रेमेडीज करके देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको आराम ना मिले तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पिंकिश कलर का वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, तो होम रेमेडीज करने के साथ साथ आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको इससे बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है और शायद फिर आप इसको संभाल भी ना पाएं। तो जब भी वाइट डिस्चार्ज दिखे, सबसे पहले आप उसका कलर नोट करेंगे, उसकी थिकनेस नोट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको वाइट डिस्चार्ज है, उसके साथ साथ आपको खुजली मचती है, उसको जलन होती है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, होम रेमेडीज करके आपको जरूर देखना चाहिए। आशा करूंगी कि आज का वीडियो बहुत सारी महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ ऐसे ऐसे वीडियोज को जितना उसके लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।